ट्रिप पे जाने के लिए। श्वेन जी आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बस। तो गाइस मैं आपको नई नई लोकेशन दिखाऊंगा फुल एंजॉय के साथ, मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय। तो शिवी तेरी तो तेरे को इतनी सुताई की है मैंने, फिर भी नहीं मान रहा, जो कह के तेरे को बताती हूँ मैं। फाइनली ये बस चल चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? ये कौन सा फुगार जानवर है यार, आपको कैसा लग रहा है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चक्कर आ रहा है तो बैठ जा ना। इस बंदी को पता नहीं किस चीज का गुस्सा आ रहा है मुझ पे। गाइस मारने से उठी ये देखो, लग गई चीनी ये देखिए। और वो दो पैसेंजर पता नहीं है अपने आप में क्या बातें कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं वो। तो हेलो गाइस, हम पहुंचे हैं जोधपुर, अभी हम रुके हैं नाश्ता करने। आप देख रहे हो नाश्ता वास्ता, हमारी ऐसी हालत हो गई है रात भर बस में। देखो लोगों को देखो, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज मेरी शक्ल देखो। और वो जो बस खड़ी हुई है, मुझे हमें मतलब उसमें वापस जाना है, वापस जाना है हमें, जहाँ हम घूमने आए वहाँ पे जाना। पीछे तो देखो क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? क्या करूँ यार, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं अंकल। बोलो जुबा केसरी। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो आप लोकेशन देख रहे हो गाइस कितनी प्यारी। ये मैं हूँ, हो रही है माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आपका प्यारा सा छोटा नवाब, ठीक है। बबीता जी, बबीता जी दिख रही है क्या? मॉर्निंग जेठा जी। बबीता मेगा नेर में क्या करेगी बबीता? तेरा क्या बोला तूने? मेगा नेर में क्या करेगी बबीता? लगता ही है पागल हो गया। तो गाइस फाइनली मैं नहा लिया हूँ, अब हम जाएंगे घूमने। धूप बहुत तेज है यार, गूगल लगा लेता हूँ, धूप बहुत तेज है तो पता नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए सीट सीट सीट, धूप बहुत तेज है गाइस। तो गाइस अभी हम, आपने देखा होगा हम स्विमिंग पूल में शूट कर रहे थे, वो लड़की अपने फोटो देख रही है। क्या कर रहे हो आप? देखो मैंने कहा था ना, फोटो देख रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोल्डन पैलेस, अभी हम तैयार हो चुके हैं लगभग। शिवान जी तैयार हो गई, मेरे को तो आलस आता है, पता नहीं इनको क्या है, इतने नखरे। बाबू भी रेडी है ऑलरेडी, बाबू रेडी हो? वैसे तो गोल्डन पैलेस देखो वो रहा वो रहा, तो यहीं से चले डायरेक्ट, वरने नहीं हम रास्ते से जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। तो गाइस मैं आपको सब दिखाऊंगा वहाँ पे, कैसे कैसे लोकेशन है, कैसे कैसे सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो गाइस मिलते हैं आगे। तो शिवी कैसा लग रहा है आपको चलने में? थकान लग रही है अभी तो, थकान लग रही है अभी तो, चल रही तो होगी। आपको किसने कहा था सैंडल पहन के आने के लिए? सूट में सैंडल तो पहनने, स्लीपर तो नहीं ना। और मैडम आपको, आप तो अजीब लेके आ जाओ बाबू ऊपर, बीच में ना बोल। ये देखो चैन ही नहीं है इनको, बजाए अंकल। ये देखिए अंकल बजा रहे हैं अच्छे से। शिवी नाचो। ओए वापस रख उसे। क्या हुआ भैया, क्या हुआ क्या हुआ भाई? तो थक गयो, थक ही गए हो? सिटी भी, हाँ ये सिटी भी पाई, चलो गली कोपचे में आ गए भैया। ये मेरा घर है, पिछले इतनी हेरा फेरी। ये गोल्डन सिटी पूरी,
लैपटॉप चलाएगा क्या तू? तो गाइस हम गए थे सनसेट देखने, पर हम पैदल 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 इतना चले कि सनसेट ही गायब हो गया। तो आइए वो सारे फोटो खींचे, कुछ फोटो क्लिक करिए जो हम आपको बताएंगे। किसी के घर में ताश जाग हो रहा है, ये देखो क्या देख रहे हो? अम्मा जी को, अम्मा जी को खम्बा गणी करा, उसने भी ऐसे करा, उसको बोलना नहीं आया, पर उसने ऐसा करा। सबसे ज्यादा दुखी बताया कौन है? बाबू अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जैसलमेर में कोई मसीहा आया है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जल्दी दाल बाटी काम, लेके दाल बाटी खाना है मेरे को। किसी घर में चलते हैं, बोले आंटी कम्बा गणी दाल बाटी खिला दो। वाह क्या सीन है। तो गाइस आप देख रहे हो लड़कियों की शॉपिंग, मतलब सब लड़कियों का है। और इस बंदे को देखो, ये चक्का बनेगा क्या? हाँ तो मैं चक्का हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ले लिया क्या? लिया बेटू? वाह यार शॉपिंग मतलब खर्चा। तो आप देख रहे हो इन्होंने पैरों के लिए क्या लिया है, देखे तो शूज पे अच्छे थोड़ी ना लग रहे हैं ये। तब चलेगा। आंटी ने मुझे नोज गिफ्ट करी, देखो। आंटी क्यों गिफ्ट करा आपने इनको? अच्छा आपकी फ्रेंड है, अच्छा है। चलो आंटी को वीडियो बहुत पसंद है शिवानी जी की, इसलिए शिवानी जी को गिफ्ट किया है उन्होंने। कितनी फ्रेंड को लगे? मैं भी यही काम करूंगी यहां से, मैं भी बेचूंगी। आंटी जी आपका धंधा चौपट करवाएंगे, ले लो धंधा चौपट है बाबा आंटी का। देखिए गाइस मुझे एक घंटा हो गया है, एक घंटे से इनकी शॉपिंग नहीं हुई अभी तक। मैं ले लिया तू, हो गया चले। अरे चले क्या, भूख लग रही है यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं, बाबू अभी तक सो रहे हैं। हम सीन कर रहे हैं भूल भुलैया। दोबारा शूट किया जाए, कचरा कर दिया है। कचरा सेट का कचरा नहीं करने का। तो गाइस हो गया है कचरा, अब दोबारा करेंगे स्टार्ट। हां ठीक है, खड़े जा खड़े जा। तो गाइस मुझे लग रही थी ठंड, आप मेरे हाथ देख सकते हो कैसे हो गए एकदम ठंड के मारे। और ये लोगों को देखो अभी मस्ती चल रही है। मैया तू तो देख लियो, इनका नाता खत्म हुआ नहीं है अभी तक। ये देखो आप देख रहे हो इन लोगों ने, इन लोगों को पता नहीं क्यों थकान नहीं हो रही, 2 घंटे से नहा रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी नहा के रेडी होके मैंने कपड़े उपड़े वगैरह भी पहन लिए क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो गाइस अब हम खा रहे हैं खाना, जिसको भी खाना हो आ जाओ। तो रज्जू खाना कैसा लगा आपको यहाँ का? एक नंबर है। तो हेलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं डिजर्ट घूमने। तो लगभग सब रेडी हो चुके हैं, नीचे भी आ चुके हैं, ये देखिए सब रेडी है। ये बाबू भी रेडी है, इधर शिवानी जी भी रेडी है, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, सब रेडी। मैं भी रेडी, इमांसु भैया उधर रेडी, और ये होटल छोड़ दिया है हमने। देखो हमारी गाड़ी आ चुकी है, वो गाड़ी में तो बैठ गए हम। देख सकते हो आप, ये शिवानी जी, ये बाबू, ये पता नहीं कौन है, और पीछे दो और कौन है। सोहेल भी बैठ गया ना, पीछे क्या है? हाँ दिलाओ, जाते हैं डिजर्ट की तरफ, मस्ती पूरे एंजॉय के साथ। ये जाएगा हमारे साथ, आप देख रहे हो। मुनीस भी आई, मुनीस भी आई। हाँ तो गाइस कैसा लगा मैं आप सबको? तो
गाइस आप देख रहे हो हम लोगों को बिठा दिया है ऊंट पे और हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत उचक रहा। पीछे आप देख सकते हो ये दोनों हैं, आगे दो और बंदर हैं और हम दोनों इधर एकदम मजा आ रहा है ऊंट की सवारी, ऊंट की सवारी आप देखो गाइस हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। चढ़ने में डर नहीं लगा, उससे ज्यादा उतरने में डर लग रहा है, बहुत मजा आए। मेरे फोन का बैटरी लो हो चुका है तो मैं अभी इसी व्लॉग में नजर आऊंगा। चुप कर बे कुत्ते। गाइस अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय के साथ फुल, बहुत थक गए। बाय बाय। तो गाइस कैंपिंग खत्म हो गई, हम बुरी तरीके से थक गए हैं, अभी बज रहे हैं 11, पूरी तरीके से थक गए गाइस, बहुत नाचे आपको ब्लॉग में दिखेगा कि हम कितना नाचे, देखना। तो हेलो दोस्तों, आज हमारा थर्ड डेज है और हम नई लोकेशन पे घूमने जा रहे हैं, अभी देखते हैं, धूप तो बहुत तेज है। तो गाइस हमने अभी ली है गाड़ी, तो चाचा ये चलाएंगे, मैंने छोटी गाड़ी ली है मेरी हाइट के हिसाब से, तो बता कि हाइट कम ली है। अरे हाँ मैं तो हूँ बच्चा ही ना, छोटा सा दूध पीता। सब दिए क्यों जलाए? दिवाली आने वाली है ना, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। गुड नाइट, बाय बाय। ये दिवाली गंदर कहाँ से मिली? दिवाली तो आई नहीं, दिवाली तो गाइस हमने अब चेकआउट कर दिया है, हम सब बाहर आ गए, अब देख सकते हो बैग वगैरह ये, अब हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी वाड़ी, अंकल जा रहे हैं, बाय 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 एवरीबॉडी, बाय भैया, कम बैक। तो गाइस हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी लग चुकी है, आप देख सकते हो हमारा सामान वामान भी ऊपर, ये देखिए आप सामान वामान भी रख दिया है भैया ने, हम जा रहे हैं होटल खाली करके, अच्छा नहीं लग रहा हमें जा रहे हैं पर जाना तो पड़ेगा। तो गाइस हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, काफ़ी छोटा स्टेशन है ये, क्योंकि जैसलमेर भी छोटा है, तो ये स्टेशन भी देख सकते हो आप, ये देखिए जैसलमेर स्टेशन। हेलो गाइस फर्स्ट स्टेशन निकल गया, ऐसे कि नेक्स्ट स्टेशन आया है, तो कौन सा है मंसूरिया? आशुपुरा। तो आइए मैं सबसे मिलाता हूँ आपको। क्या हुआ? कौन सा स्टेशन है? सिरीपुरा। सिरीपुरा नहीं, आशुपुरा। आशुपुरा बस, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी है, आप देख सकते हो हमारी हालत कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ही थक गए हम, अभी तो जोधपुर से हमें बस लेनी है, वो बस हमें पहुंचाएगी कोटा राजस्थान। तो गाइस देखिए जोधपुर कैसा दिखता है, देख रहे हो ना गाइस,
इतना क्यूट सा प्यारा सा। तो गाइज अभी बज रहे हैं 12:30, ठीक है, और हम बैठ चुके हैं बस में, आप देख ही रहे हो, और बस चल चुकी है। एसी ने अभी कूलिंग नहीं किया, चार्जिंग वगैरह सब है, सब अपने अपने डिब्बे में जाके बैठ गए हैं। मैं इतना बुरी तरीके से थका हुआ हूँ कि मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं ब्लॉग बना सकूँ, इसलिए मैंने शियान जी को बोल दिया, शियान जी आप शूट कर दो, मैं बोल लूँगा। तो गाइस इतना कड़क कैप लगाया, मेरे से कैप ही नहीं निकला ये। तो गाइस मैं इस ब्लॉग में बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रिप थी वो इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, बस यहाँ हमारी टीम का एक बंदा है, बंदी है सॉरी, उसने हमारा जीना आराम कर दिया था गाइस। तो अगली बार अगर हम कहीं जाते हैं तो उसको लेके पहुँचने पे। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो ये बैग वैग सब रख दिया है, हम बहुत थक गए हैं। 9:30 बज रहा है, हम घर पहुंच गए फाइनली, बहुत थकान हुआ बस, पर ट्रिप में बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा ही मजा आया ट्रिप में, ऐसा इंजॉय हमने कभी नहीं किया। तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा मैं, कितना हमने इंजॉय किया, कितनी मस्ती, कितना धमाल किया। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।